मिलाएंगे करेंगे एंट्री करने नहीं देगा, आप जानते हैं कितनी दिक्कत है। और पंकज पुष्कर जी ने पूछा कि क्या जनता की राय करने का कोई भी प्रावधान है। असेंबली में लिख के जवाब दिया गया, वर्तमान नियमानुसार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अब पंकज जी कप्ती जी ने इन्होंने निकाल दिया नियम। नियम है जी सेक्शन 24(2) जो कहता है कि जहां भी कोई ऑन प्रेमिसेस के लिए, सब पे लागू नहीं होता, सारे लाइसेंस पे लागू नहीं होता, ये सिर्फ L16, 17, 18 जहां ऑन प्रेमिसेस कंजम्पशन होगा वहां के लिए लागू होता है। वैसे ऑन प्रेमिसेस सब जगह होता है, ठेके के बाहर मछली के पकौड़े की दुकान होती है ना, हर जगह इसलिए होती है ऑन प्रेमिसेस कंजम्पशन हो रहा होता है। क्या कोई नियम लीगली ऑन प्रेमिसेस कंजम्पशन जहां हो रहा होता है उसके लिए सरकार का नियम है, Deputy Commissioner shall take all reasonable steps to ascertain the opinion of the persons who reside or have property in the neighborhood and are likely to be affected by the proposal. नियम है सरकार का, दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010। उसका नंबर टू कहता है, the Deputy Commissioner shall cause pasting of notice of the proposal or on or near the site proposed for the new license and shall cause the proposal to be made known to the neighborhood by means of loudspeaker. मुनादी भी करवाई जाएगी। अच्छा मजे की बात ये है कि ये सिर्फ लॉ में नहीं है, दिल्ली सरकार ऐसी मुनादियों के नोटिस इशू कर रही है। सरकार को खुद पता नहीं है कि एक्चुअली सरकार जो नोटिस इशू करती है उसमें लिखा होता है, ये मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूं, ये नोटिस कैसे दिखा रहा हूं, हाँ जी, कोई देसी वाइब्स करके रेस्टोरेंट खुला है हाल ही में दिल्ली में, और ये नोटिस है जी 9 अगस्त का, इसी महीने का नोटिस है। इस महीने का नोटिस है, देसी वाइफ नामक रेस्टोरेंट वाइफ खुल रहा है जो, और कहां का है, सॉरी डिफेंस कॉलोनी मार्केट में ये नया रेस्टोरेंट खुल रहा था जिसने दारू के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उसमें सरकार का नोटिस कहता है, ये इसी महीने का नोटिस है, ये कहता है सेक्शन 24(2) के तहत, जिस सेक्शन को सरकार कहती है कि है ही नहीं, ये नोटिस कहता है सेक्शन 24(2) के तहत आम और खास को मालूम हो जो पहले बोला जाता था, तो कहता है ऑफ द डेली एक्सरसाइज रूल्स इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स दैट दिस इज हैपनिंग, अगर आपको एतराज हो तो आप एतराज दर्ज कर दीजिए, और नीचे इसमें कहा जाता है कि लाउड स्पीकर के जरिए इसकी मुनादी भी करवा के 2 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि खानापुरी में कागज में आज भी ये सब चीजें हैं, सिर्फ खाना पूरी हो रही है। अब आप जाके चेक कर लेना डिफेंस कॉलोनी में कितने लाउड स्पीकर से बना दी हुई थी, कितने लोगों को बताया गया था इसके बारे में। पॉइंट क्या है कि सरकार के रूल में ये सब चीजें हैं, और वो सरकार जो अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन में इंटरेस्टेड होती तो वो सरकार क्या करती, भाई रूल में दिया हुआ है जन सुनवाई करो, डिप्टी कमिश्नर जाएगा जन सुनवाई करेगा, जनता जो कहेगी उसके हिसाब से करेगी। कुछ किया जीरो का, और जब असेंबली में पूछा कि क्या ऐसी कोई प्रोविजन है, सरकार ने लिख के जवाब दिया ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। पंकज पुष्कर ने कहा मंत्री महोदय ने झूठ बोला है, इनके विरुद्ध विशेषाधिकार हरण का प्रस्ताव लेके आए, तो कल इनको असेंबली में स्पीच दी गई कि माननीय सदस्य अभी जानकार नहीं, इन्हें सरकार से और जानकारी लेनी चाहिए और इनमें मैच्योरिटी का अभाव है, और इन्हें चेतावनी दी जाती है कि आगे से ऐसे काम न करें, कल इनको चेतावनी नहीं दी असेंबली के अंदर, इस तरह की काम करते हैं। आपने याद है आपको भगवंत सिंह मान वाला जब किस्सा हुआ था, क्या आम आदमी पार्टी ने क्या क्या ड्रामा किया और इनका स्पीकर क्या कर रहा है, मैंने सुना है कि वो जो प्रेस गैदरिंग थी वो भी खत्म कर दी गई है ताकि ये सब चीजें आप आराम से न देख पाए। इनको चेतावनी मिली ये काम कहने के लिए कि इन्होंने ये दृष्टता की कि ये सच्चाई सरकार के सामने आई। दूसरा सवाल ये पूछा था कि जी एमएलए का कोई रोल होता है इसके अंदर करने,
सरकार ने फिर जवाब दिया नहीं एमएलए का कोई रोल नहीं है ऐसा कोई प्रावधान नहीं ये आपके सामने दो चीज रखते हैं ये जो पहला किले हाईलाइट वाला है वो सरकार की अपनी वेबसाइट से दिल्ली सरकार की वेबसाइट एफएक्यू बताता है कि कैसे आपको लाइसेंस मिल सकता है L6 का लाइसेंस और वो हाईलाइटेड पोर्शन कहता है द एरिया एमएलए शुड हैव गिवन द पॉजिटिव ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेंट प्रीमिसेस एज रिगार्ड्स ओपनिंग ऑफ द वेंट एल6 लाइसेंस का प्रश्न था हाउ कैन एन इंडिविजुअल गेट हिज प्रीमिसेस ऑन रेंट फॉर रनिंग लिक्वर वेंट एल6 लाइसेंस कैसे मिल सकता है उसका सरकार का ऑफिशियल जवाब है कल रात तक वेबसाइट पे था अगर आज आपको कह नहीं सकता मगर हमारे पास उसकी इमेज यही नहीं L2 और L10 लाइसेंस देने के लिए सरकार का जो फॉर्म है उस फॉर्म में लिखा है कि क्या आपने एनओसी ले लिया एमएलए से ये देखिए यहां पे लिखा है जो ब्लू से हाईलाइट है ये भी आपके पैक में और सरकार कहती है इन्होंने एमएलए का कोई रोल नहीं है और इनको कहा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो ये हकीकत है सच ये है एमएलए की परमिशन दी जाती है और इन तमाम एमएलए जिनकी नॉट रेटेड किया गया है इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि इन तमाम एमएलए ने एक्चुअली इस पे बात की आखिरी चीज मोहल्ला सभा का योग अचानक जब ये सब कुछ हुआ और स्वराज अभियान ने जब अपना अभियान शुरू कर दिया मुख्यमंत्री भी आस्था से आए और उन्होंने आते ही कहा कि ये सब एक साल के लिए कोई L6 लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जैसा आपने देखा खेल L6 लाइसेंस में है ही और L7 को तो इसलिए कांग्रेस सरकार ने देना बंद कर दिया सारा खेल L10 और L12 का है जिसके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया दूसरा घोषणा विचित्र एक साल के लिए बंद किया जाएगा एक साल में क्या होने जा रहा है पंजाब में इलेक्शन होने वाला है गोवा में इलेक्शन एक साल के बाद ठीक है नया दिन है नई पॉलिसी है नया विचार कहा गया कि मोहल्ला सभा अचानक याद आया कि हाँ मोहल्ला सभा से किया जाएगा फैसला मोहल्ला सभा परमिशन देगी मोहल्ला सभा जो तय करेगी वो प्रॉब्लम क्या है इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं इसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं इस आधार पे आपने एक भी बैंड को बंद किया अगर सिर्फ ये मोहल्ला सभा का नाम लेते तो अगले दिन बंदा कोर्ट में जाएगा स्टे लेके आ जाएगा कोर्ट पूछेगा कानून ना किस कानून के आधार पे आज की तारीख में कानून ले देंगे 24/2 जिससे इनकार कर रहे हैं कि है बेसिक खेल क्या है कि भाई हम तो कहेंगे हम स्वराज लाना चाहते थे मोहल्ला सभा स्थापित करना चाहते थे प्रपोजल एनजी के पास चला जाएगा उसके अंदर जरूर ऐसा पेज को डाल दिया जाएगा कि कोई एनजी उसको साइन ना कर सके साइन नहीं किया तो देखो जिनको तो करना चाहते थे नहीं तो हम क्या करें हम तो दिल्ली की जनता की खुद सेवा करना चाहते थे दिल्ली में तो एकदम नशा मुक्त करना चाहते थे एनजी ने रोक दिया एक एक करके जितने महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सबको खत्म किया जा रहा है इसी खेल के ऐसे में क्या होना चाहिए जैसा आप जानते हैं स्वराज अभियान की तरफ से हमने दो अभियान इसमें किए हैं कोटला मुबारकपुर कस्तूरबा नगर में और खजूरी खासकर रावल नगर में दोनों में स्वराज अभियान ने इसके बारे में प्रोटेस्ट मीटिंग्स की प्रशांत भूषण जी की लीडरशिप में मैं आपको वैसे कहना भूल गया प्रशांत जी की तरफ से मैं माफी भी चाहता हूँ प्रशांत जी पिछले 3-4 दिन से काफी बीमार चल रहे हैं और इसलिए वो आ नहीं पाए तो उनकी जगह पर मैं भी मीटिंग में हूँ नहीं तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं प्रशांत जी की लीडरशिप में मोहल्ला सभा हो रही है लोग मिल रहे हैं खुल के कह रहे हैं औरतें आके कह रही हैं लेकिन कोई असर नहीं और खेल क्या होता है यहाँ के मंत्री कहते हैं कि मैंने मोहल्ला सभा घोषित की थी जिसके रेस्पॉन्स में जिसकी नकल में स्वराज अभियान ने घोषणा की उनको फेसबुक का पेज दिखा देना नहीं उनकी घोषणा से 4 दिन पहले स्वराज अभियान के दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी एग्जैक्टली सभा की घोषणा उसका समय वेन्यू सब कुछ अनाउंस कर हमारी मांग क्या है अंतिम स्लाइड है हम क्या चाहते हैं पहले मैं स्पष्ट कर स्वराज अभियान की तरफ से हम दिल्ली में पूर्ण नशाबंदी की मांग नहीं कर रहे हमने एक दिन भी ये मांग नहीं की है
लेकिन उप मुख्यमंत्री ने अपना सारा जवाब उस चीज पे दिया जिसका फसाने को देखना और इन्होंने खड़े होकर कहा पंकज कुष्ठ ने कि मुख्यमंत्री जी आप नशाबंदी पर चर्चा क्यों कर रहे हो, मेरा तो प्रश्न नहीं है, मेरी तो मांग नहीं है। लेकिन शायद उसमें अच्छा स्टेटमेंट देने को बनता। स्वराज अभियान की तरफ से हम प्रोहिबिशन की मांग नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं लिकर का रेगुलेशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, डी एडिक्शन की फैसिलिटीज होनी चाहिए और लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। स्पेसिफिकली हम कह रहे हैं कि 11 जगह हैं जिसका हमने नाम लिया है, लेकर की दुकानों का आपके पास पहले भी हम सर्कुलेट कर चुके हैं। दिल्ली में 11 कम से कम ऐसी जगह हैं जहां की जनता स्थानीय औरतें शिकायतें कर करके थक गए कि इसको बंद करो, तो खोलने से पहले उनको पूछना तो छोड़ दीजिए, उनकी नेगेटिव राय के लिए सभा बुलाना छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे राय दे दे के थक चुके हैं, कम से कम इन 11 को तो बंद कीजिए। दूसरी मांग कि जो एक्साइज पॉलिसी है ये इतनी सीक्रेटिव क्यों है, सरकार तो पारदर्शिता वाली थी ना, अप्रैल 1 अप्रैल को नई एक्साइज नीति आनी थी, फिर उसे एक्सटेंड करके 1 अगस्त तक किया, अभी भी नहीं आई है। जब इतने महीने लगा दिए जनता के सामने ड्राफ्ट तो रख दो, जनता का ओपिनियन दे दो कि ड्राफ्ट एक्साइज नीति के बारे में क्या जनता का ओपिनियन है। तीसरा, इसके एक व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए जो कि दिल्ली में दारू का सच जनता के सामने रखे। अभी भी एक बड़ा सच जो सबके सामने नहीं है वो ये है कि दिल्ली में दारू की खपत कितनी बढ़ी है, कितने कितने लोगों से क्या कुछ, ये इतने रेस्टोरेंट खुले गए अचानक 200 से ज्यादा 200-300 रेस्टोरेंट को नए लाइसेंस देने का क्या मतलब है, क्या कारण, इसके सारे आंकड़े जनता के सामने रखे जाए ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे। तीसरा, जो आज की तारीख में कानून है कम से कम उसे तो लागू कर दीजिए। कानून कहता है 100 मीटर कुछ केसेस में 75 मीटर के अंदर कोई मंदिर ना हो, स्कूल ना हो, आपको एक नहीं कई हम दिखा देंगे जहां ये सब चीजें चल रही हैं आज की तारीख में। कानून कहता है कि मॉल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए उसको तो आप लागू कर दीजिए। और जो जो सरकार जो जो दुकानें इसके वायलेशन में पिछले 1 साल में खुली है कम से कम उनको तो तत्काल बंद किया जाए। आज के कानून के हिसाब से जो कि लीगल है कम से कम उसे तो बंद कीजिए।